नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली और शपथ लेने के साथ ही पूरी दुनिया को भारत ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। संदेश इस बात का कि पिछले 10 साल जिस तरीके से पूरी दुनिया पर भारत ने राज किया है, उसी तरह आगे भी ये राज जारी रहने वाला है। अगले 5 साल पाकिस्तान की वही किरकिरी होगी जो पिछले 10 सालों में हुई है। आने वाले 5 साल कितने भयानक होने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, इसका ट्रेलर भी पाकिस्तान को मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह पर दिखा दिया था। जब भारत नेबरहुड को लेकर एक बहुत क्लियर मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा था, तब पाकिस्तान के पास एक गुप्त मैसेज भी भारत ने पहुंचाया। मैसेज इस बात का कि नेबरहुड में भारत के तमाम वो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन नेबरहुड फर्स्ट में कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। नेबरहुड फर्स्ट में पाकिस्तान फर्स्ट तो क्या, लास्ट भी नहीं है, ये भी साफ हो गया है। अब देखिए ना, शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्हें एक लाइन का ट्वीट करके अपनी तरफ से प्रेजेंट लगा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जिन्होंने सबका जवाब दिया, उन्होंने अब तक शहबाज शरीफ के ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब तक जवाहरलाल नेहरू ही एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो लगातार 3 बार सत्ता में आए थे। लेकिन बेइज्जत पाकिस्तान को बेइज्जती और भारी पड़ेगी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा तक नहीं कर पाया है। और इधर भारत के प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार है। 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर चुके हैं और अब बारी 3रे कार्यकाल की है, जिसे देखकर शहबाज शरीफ भी घबरा रहे हैं। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के देशों से बधाई आई और इन बधाई संदेशों में एक संदेश अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी आ गया। आप क्या कहेंगे शहबाज शरीफ के ट्वीट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।